हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ बंगाली स्वीट्स जिसका नाम है लैंगचा शेयर करूंगी। तो मैं वो कैसे बनाती हूँ तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है चलिए फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी लिया है, इसको मैंने मिक्सी में थोड़ा सा मिक्सी कर लिया है, थोड़ा सा फाइन कर लिया है एकदम। और यहाँ पे जितना एक कटोरी मैंने सूजी लिया है उसका डबल मैंने यहाँ पे दूध लिया है। दूध को मैंने अच्छे से उबाल लिया है और रूम टेम्परेचर में इसको ला ली हूँ और ये रूम टेम्परेचर में आ चुका है। मतलब डबल जितना सूजी उससे डबल दूध लेना है। और ये मैंने चीनी को फाइन पेस्ट कर लिया है, 1 कटोरी लिया है, जो जितना चीनी खाता है उतना ही देंगे। और यहाँ पर मैंने ऐसे इलायची को थोड़ा सा मिक्सी कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने सूजी को कढ़ाई में डाल लिया है। अभी इसको थोड़ा सा भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए। ज़्यादा नहीं भूनना है, मतलब जैसे हम लोग उपमा बनाते हैं तब जैसे भूनते हैं अच्छे से उतना नहीं भूनना है। करीब 1 से 2 मिनट तक भूनने से ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये मैंने 1 से 2 मिनट इसको थोड़ा सा चला लिया है कढ़ाई में। अभी मैं इसमें जो दूध मैं रखी हूँ उसको मिक्स कर दूंगी। इसको पूरा दूध मैं मिक्स कर दूंगी और इससे एकदम टाइट डो बनेगा। तो इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कंटिन्यू चलाते जाएंगे। तो ये देखिए ये एकदम टाइट डो हो गया है। अब इसको थाली में निकाल लेंगे और ठंडा होने तक इसको थोड़ा सा वेट करेंगे। एकदम ठंडा होने नहीं होना है, थोड़ा सा ये मतलब हल्का गर्म रहेगा तब इसमें आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। इसको थाली में निकालने के बाद थोड़ी देर इसको एक मैंने यहाँ पे ढक के रख दिया है थोड़ी देर के लिए। करीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूंगी। ये डो बनाने के बाद इसमें मैं जब चीनी डालेंगे तो ये थोड़ा सा पानी छूटेगा, लेकिन फिर इसको गूंथने से ये टाइट फॉर्म में आ जाएगा। उससे एक लिपिंग मिस हो गया। इसमें मैंने चीनी और घी 1/2 चम्मच ऐड किया था और चीनी मैं जिसे मिक्सी करके रखी थी उसको ऐड करके रख दिया था, फिर अच्छे से गूंथ लिया। तो देखिए कितना अच्छा से ये गूंथ चुका है। अब इसका मिठाई बनाए। तो अब हाथ में थोड़ा सा घी लेके ऐसे पहले सूजी का एक डो लेके ऐसे हाथ में ऐसे मसलना पड़ेगा। उसके बाद आप जिस भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन मैं लैंगचा बना रहा हूँ तो लैंगचा लंबा ही होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे शेप में बना लिया है। तो एक मैं दिखा देती हूँ कि ऐसा शेप मैं कैसे बनाई हूँ। तो फिर से मैं हाथ में थोड़ा सा घी लगा ले रही हूँ और फिर ऐसे फिर से एक लड्डू जैसा डो लेके बड़ा सा एक डो लेके इसमें मैं ऐसे पहले हाथ से ऐसे एक हाथ से कर लूँगी, फिर दोनों हाथ से फिर ऐसे। देखिए एक भी क्रैक नहीं है लड्डू में, इसका मतलब बहुत ही अच्छे से ये डो बना है। फिर इसको ऐसे हाथ से ऐसे करके ऐसे लंबा शेप में करना है और साइड में अच्छा से गोल जैसा हो इसलिए ऐसे साइड में ऐसे डैप कर लेना है मिठाई को, ताकि ये एकदम लैंगचे जैसा फॉर्म में आ जाए। देखिए कितना अच्छा शेप में आया है। तो इधर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, हो भी चुका है तेल गरम। अभी मैं एक एक करके इसमें मिठाई डालूँगी। फर्स्ट टाइम में मैं एक ही वो मिठाई जो बना के रखी थी फ्राई करने के लिए एक ही डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 ठो डाल दिया, एक ही तो पहले फ्राई कर लूँगी। और इधर मैंने कढ़ाई में ये जो बच गया था पाउडर चीनी उसको मैं डाल दूँगी। और भी चीनी लगेगा, करीब 1 कटोरी चीनी। तो उतना ही मैं पानी भी लूँगी, 1 कटोरी चीनी तो 1 कटोरी पानी मैं लूँगी चाशनी बनाने के लिए। तो इधर मैंने यहाँ पे चीनी के बाद ऐसे पानी ले लिया है। तो इसके बाद मैं इसमें 3 इलायच डाल दूँगी और इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी। और जब ये उबलने लगेगा
फिर मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और ये साइड में देखिए ये मिठाई भी कैसे अच्छा, कितना अच्छा कलर आया है एकदम। तो ऐसे मैं फ्राई कर लूँगी हॉल से निकालने के बाद। चाशनी अभी ठंडा थोड़ा सा हल्का गर्म है तो मैं इसमें डाल दूँगी। और देखिए कलर कितना बढ़िया आया है और शेप भी एकदम बहुत ही अच्छा है। तो अभी मैं नेक्स्ट और फ्राई बाकी फ्राई कर लूँगी एक एक करके। तो मैं और फ्राई कर ले रही हूँ, देखिए थोड़ा सा हल्का मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ पहले से, तो बहुत ही अच्छा बना है। तो फर्स्ट टाइम में मैंने एक ही, जैसे कि मैंने कहा कि एक ही करके देखना है, फिर सेकंड टाइम में जब मैं करूँगी फ्राई तो ऐसे चार पांच मिठाई को ऐसे एक साथ डाल के फ्राई कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं फ्राई कर लूँगी, देखिए मैंने पांच डाला है। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, लग रहा है ना पूरा एकदम मिठाई के दुकान के जैसा मिठाई, तो बहुत ही अच्छा बना था। तो इसको मैंने एक कटोरी में निकाल के रख दिया है और ये काफ़ी सॉफ्ट बना था, थोड़ा सा दफनी से टूट जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा बना था गाइस, आप लोग एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बनाने में बहुत ही इजी है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो अभी इसमें मैं इसमें रस डाल दूँगी जो मैं चाशनी बनाई थी। तो देखिए कितना बढ़िया दिखने में लग रहा है और गाइस बहुत ही अच्छा बना था खाने में भी। तो आप लोग एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।